आंखें खोलो बेटा। जी बीबी जी, जाओ जल्दी से अहमद साहब को बुला के लेकर आओ, ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। जी बीबी जी, मैं अभी बुला के। ज़ारा, अहमद साहब, वो ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। क्या हुआ उसे? पता नहीं, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। अल्लाह खैर करे। ज़ारा, ज़ारा। मामा क्या हुआ? अहमद प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जी मैं करता हूँ कॉल। ज़ारा चैनी, आंखें खोलो। ज़ारा, ज़ारा, सारा, क्या हो गया इसको? सारा, सारा, प्लीज। हेलो। मुझे पता है ना कितनी परेशान है वो, नींद की गोलियां नहीं खाएगी तो और क्या करेगी। तो सारा का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। सारा का एक्सीडेंट कब? रहने दो अहमद, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो जिए या मरे। तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहो। लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता मामा, कब हुआ, कैसी है वो। छोड़ो अहमद, बड़ा कंसर्न है तुम्हें। मास आंटी का फोन आ रहा है। रहने दो, मैं क्या बात करूंगी उससे, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब दूसरी बेटी की बीमारी का बता के उसे कितना परेशान करूंगी मैं। मामा छोड़ो अहमद, ये जो तुम्हें तोहफा लाके हमारे सरों पे बिठा दिया ना, ये सब इसी का रिएक्शन है। जब से ये इस घर में आई, इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं हुई, ये सब सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घत्ता हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हद होती है नहुसत की। For God's sake, Mama, हर चीज का इल्जाम ताबीर को मत दिया करें आप। मेरी किस्मत ताबीर के साथ जुड़ी है, मेरी जिंदगी है वो, उसका और मेरा जिंदगी भर का साथ है। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप प्लीज ऐसा मत सोचा करें मामा।